हेलो महारथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज से ये जो चैप्टर है, आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक बार रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका पहला जो आपका चैप्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हम पढ़ेंगे। तीसरा वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी। चौथे वाले चैप्टर सिलोजिम पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर आपका मशीन एंड इनपुट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर उसके बाद लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की आपकी वीडियोज़ जो है वो पैरेलली आपको इन चैप्टर्स के साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। आप अपनी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और एक और गाइस आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका जो सिलेबस दिख रहा है इसमें जो आपके ब्लू कलर्स के जितने भी दिख रहे हैं ये सभी जो चैप्टर्स होते हैं बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से लेके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और एक आपका ये वाला चैप्टर जो लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग है ये जो होता है वो आपका इजी इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर्स इनको पढ़ने में, इनको बनाने में बस आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है और इस चैप्टर्स को आप इजीली फोड़ सकते हैं। ठीक है, दो चैप्टर्स जो आपके रीजनिंग के पेपर्स की जान होते हैं और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा जो बच्चा जो है वो जो फंसता है वो तीन चैप्टर्स या दो चैप्टर्स, सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, ये जो दो चैप्टर हैं इनसे पूरा रीजनिंग का 60% पेपर तो इन्हीं से बनता है। ठीक है, और मशीन एंड इनपुट से भी आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को, एक क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो तीन चैप्टर्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स एंड मशीन एंड इनपुट, इन पर जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। डाटा सफिशेंसी एंड ऑर्डर रैंकिंग, ये आपके मीडियम चैप्टर्स हैं। ठीक है, जब इन सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लीजिएगा तब आप डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। और ऑर्डर एंड रैंकिंग भी जो है वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आप उसके भी कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ पाएँ तो उस चैप्टर को भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब मेरा यहाँ पर बाइफर्गेट करने का मतलब क्या होगा? मेरा बाइफर्गेट करने का मतलब इसलिए था क्योंकि आपको जो है वो क्या करना है, आपको जो है वो पेपर को क्वालिफाई करना है। क्योंकि जो आपका रीजनिंग का जो पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, जो आपका प्री का जो पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, तो आपको जो है वो आपको जो है उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिन चैप्टर से आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल है कि आप पेपर क्लियर करके आप मेंस की परीक्षाओं को लिखें। ठीक है, तो वैसे तो मैं ये सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर सर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को पढ़ के ही नहीं हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को जब आप बनाने शुरू करिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी या बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नहीं समझ पाएंगे। तो वैसी चीज़ों को आपको करना चाहिए जो चीज़ें आपके लिए आसान हो और जिससे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर यही कहना था कि वैसे तो सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे लेकिन आपको जो है वो बेसिकली कोशिश करनी है कि उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप रीजनिंग के पेपर को आसानी से क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस आपके पूरे जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है इसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तथा इन चैप्टर्स को बनाने का जो बेसिक्स जो है, फंडामेंटल्स क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो आपको जो है वो अगर आपने पहले से चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ऐसा मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चंस को भी आपके साथ अरेंज किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल बातें, जैसे कि जीवन क्या लिखा हुआ है कि जीवन में मौका तो सभी को मिलता है लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके साथ करीब 1 लाख से 2 लाख बच्चे जो होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जो सीटें होती हैं वो कितनी होती है, अगर लास्ट ईयर की बात कर लें तो 587 के समथिंग सीट्स थी। ठीक है, तो सिर्फ आपको लाख में से आपको 587 की ही जो जो होती है वो आखिरी में जाके जॉब होती है। तो सफलता सभी को, जो जीवन में मौका तो सभी को मिलता है लेकिन सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो आप अपनी तरफ से जो है
वो मेहनत में थोड़ी सी भी कमी मत कीजिएगा। और आप कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको एकदम हिम्मत भी करना है, मेहनत भी करनी है, और इस साल आपको जो है वो सिलेक्शन आपको लेके रहना है। चलिए इसी मोटिवेशनल बातों के साथ हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो टाइप वाइज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो टाइप होता है वो आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन बनता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं कि इसमें आपको लेटर दे दिए जाएंगे, ए एम बी वाई ओ आई डी एम, ऐसा करके एक सीरीज होगा। सीरीज का तो मतलब समझते हैं ना, सीरीज मतलब होती है हिंदी में अगर बात करें तो श्रेणी बोलते हैं इसको। सीरीज एक कंटिन्यूअस जो है सीरीज जो बनती है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें टाइप वाइज बनता है वो आपका डिजिट से बनता है, यानी कि 7, 8, 4, 2, इसको इसको नंबर्स नंबर सीरीज भी कहा जाता है, डिजिट सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें कि आपको डिजिट का एक श्रेणी आपको कोई भी अनरैंडमली 7, 8, 4, 2, 1 ऐसे करके नंबर दे देंगे और इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। तीसरा जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें कि अल्फा मतलब अल्फाबेट होते हैं, नंबर मतलब नंबर होता है, और सीरीज होता है, यानी कि अल्फाबेट नंबर का जो सीरीज होता है ना उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का नाम भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इसको। अब फिर जो आज का जो लेटेस्ट पैटर्न पे, ये जो आज के मौजूदा में ये जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पे पूछे जाते हैं। सिंबल मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे, एट द रेट मिल जाएगा, फिर आपको हैशटैग मिल जाएगा, फिर आपको स्टार मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको डॉलर वगैरह, ऐसा ऐसे सिग्नेचर, ऐसे जो सिंबल्स जो हैं वो आपको इन सीरीज के बीच में जो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके आधार पर आपसे एक सीरीज से क्वेश्चन आपको पूछ ली जाएगी। पांचवा जो होता है वो आपका होता है वो वर्ड सीरीज होता है, ठीक है। तीन तीन या चार चार, एक चार चार डिजिट, चार चार अल्फाबेट्स का एक वर्ड बनाते हैं, कोई भी वर्ड, वो एक रैंडमली एक मीनिंगफुल भी हो सकता है, एक मीनिंगलेस भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स पे आधार पर भी आपको क्वेश्चंस को पूछ लिए जाते हैं। ये जो सीरीज होती है वो आपकी होती है, वो आपका वर्ड सीरीज होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीरीज आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला जो होता है वो आपका नंबर सीरीज होता है, रैंडमली कोई भी तीन नंबर का सेट या चार नंबर का सेट, तीन एक एक बना के, और उस सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको वर्ड सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। मिसलेनियस में कुछ आपको देखने को मिलते हैं कि क्या इन सेंटेंस के, मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा और इस वर्ड्स पर आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं उनके बीच में क्या उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है, या कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो ऐसे करके जो है जो इस चैप्टर के मिसलेनियस रहेंगे, हम लोग आखिरी में मिसलेनियस के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे अगर सारे टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम कर लेते हैं तो ये जो चैप्टर है, जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो ये चैप्टर है, उसको हम आसानी से इसको हम लोग खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इंपॉर्टेंट बेसिक लेक्चर, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो नाम है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अब ये जो इसको पहले हम लोग जरा नाम से समझते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या। वैसे तो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिए, लेकिन आपको एक बार फिर से बताता हूँ अल्फा मींस क्या होता है, आप समझिए। आप पर अल्फा मींस जो होता है ना, वो आपका अल्फाबेट होता है। क्या होता है? अल्फाबेट होता है। जैसे कि आपका अल्फाबेट में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ऐसे जितने अल्फाबेट हो गए वहां से ये जो वर्ड है, अल्फाबेट से हमने अल्फा ले लिया है, और ये जो है आपका पहला वाला वर्ड हो गया अल्फा। दूसरे वाले वर्ड की अगर बात करें तो न्यूमेरिक, ये वर्ड कहाँ से आया? ये जो वर्ड आया है ये नंबर से आया है। अब आपको तो नंबर पता ही है, जो आपके नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ऐसे जो भी होंगे वो आपके नंबर हो जाएंगे, और सीरीज मतलब तो आपको आपको पता ही है कि श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये अल्फाबेट नंबर्स की सीरीज का था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें इस चैप्टर का एक और नाम हो गया है। लेटेस्ट में सिंबल्स को भी अब इस सीरीज में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में सिंबल्स को भी इस चैप्टर में ऐड कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर का एक और नाम हो गया है, इस चैप्टर का एक और नाम है, जो नाम है वो आपका है अल्फा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अगर कोई आपसे ये कहे कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज भी हम पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
इस चैप्टर का ही नाम है कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज जो दोनों जो है वो बहुत ही एक ही जो है एक ही चैप्टर के नाम है। लेटेस्ट में इसको सिंबल्स, जैसे कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आपको एट द रेट आ गया, ठीक है, हैशटैग आ गया, ठीक है, मान लीजिए स्टार बीच में दे देता है, ऐसे करके जो सीरीज होते हैं, कॉपीराइट हो गया, ऐसे जो सीरीज हो गए ना, ये ऐसे जो सिंबल्स हो गए, इनका इस्तेमाल सीरीज में कर कर और आपसे जो है वो क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देने वाली बात है। अब अगर बात कर लें कि आपका अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज में इस चैप्टर को आसानी से समझने का या आसानी से बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो आपका अल्फ़ाबेट होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपको क्वेश्चन जब भी आप बनाइएगा क्वेश्चन देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा जो होता है उसमें अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होता है उसमें न्यूमेरिक होता है, यानी कि नंबर होता है, ठीक है, और सबसे जो कम होता है इस सीरीज़ में वो होता है आपका सिंबल। तो जब भी आप इस तरह के जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को अगर आप बनाने शुरू करिएगा, तो जब भी आप इस तरह के चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने शुरू करिएगा, तो आपको ध्यान में ज़रूर ये बात रखनी है कि इस ध्यान में ज़रूर ये बात रखनी है कि आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स पे ना ज़्यादा फोकस करते हुए, नंबर्स पे ना ज़्यादा फोकस करते हुए, ज़्यादा फोकस अगर उस सीरीज़ में अगर सिंबल है तो सिंबल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई पूरे नाम की, कौन कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को बनाने के लिए दो वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके जरूर लिखिएगा ये दो वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड है ना वो आपका है प्रिसीडेड। अब आप कहिएगा कि सर रीजनिंग में आप इंग्लिश की क्लास क्यों ला रहे हैं, इंग्लिश की जो वोकैब की क्लास क्यों ला रहे हैं, तो लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि जो रीजनिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना ये बड़े सेंटेंस में आपको उलझाते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड्स की दो मीनिंग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मीनिंग के बारे में हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे और आपके साथ एग्जाम्पल 10-7 आपको इस वर्ड्स को यूज करना बता देंगे कि इस तरीके के वर्ड्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इन क्वेश्चंस में अगर आपको ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के आप कैसे उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस चीज़ को जरा हम इस चीज़ को हम आपको समझाएंगे और इस वर्ड्स की आप मीनिंग को पहले समझ जाइए। वैसे आप जानते भी होंगे इन वर्ड्स की मीनिंग को, लेकिन फिर भी आपके साथ जरूर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला जो वर्ड है वो आपका प्रिसीडेड है, दूसरा जो वर्ड होता है ना वो आपका है वो फॉलो, या एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं सक्सीडेड। ठीक है, सक्सीड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रिसीडेड और फॉलोड या सक्सीडेड, ये फॉलोड को ही हम लोग बोलते हैं सक्सीडेड, ठीक है ना। अब इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं, यहाँ पर पेन चेंज कलर करते हैं यहाँ से। अब देखिए जो सक्सीडेड जो वर्ड प्रिसीडेड में क्या जुड़ा हुआ है, पहले अगर आप इस पहले के तीन लक्षर ले ये थ्री थ्री डिजिट अल्फाबेट को अगर आप देखिएगा तो क्या है, प्री है ना। आप आपने एक एग्जाम दिया होगा, आपने जब 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपने क्या दिया होगा, प्री बोर्ड दिया होगा, ठीक है ना, प्री बोर्ड दिया होगा ना, तो प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो इस प्रिसीडेड वर्ड को आप मीनिंग को कैसे इस्तेमाल याद कर सकते हैं कि जिस वर्ड में प्री लगा हो उसको, जिस वर्ड में प्री लगा हो और हम अपनी एग्जामिनेशंस मेन एग्जामिनेशन देने से पहले प्री बोर्ड की अपनी एग्जामिनेशन को देखते हैं, तो प्री मतलब होता है पहले, और इससे आप याद रख सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर और सक्सेसर पढ़ा है आपने, जरूर पढ़ा होगा, जब आप छोटे होंगे 4 या 5 में होंगे तब आपने इन वर्ड्स को जरूर सीखा होगा। और इन दोनों वर्ड्स पे, प्रेडिसेसर सक्सेसर पे, ना जाने कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे एग्जामिनेशन में अपने। ठीक है, तो ये तो इससे आप प्रेसिडेंट से आप इस्तेमाल याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्री। फॉलोड फॉलोड और अफॉलोड और आपका सक्सीडेड क्या होता है, ये जो होता है ना, या प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टूवर्ड लेफ्ट, टूवर्ड लेफ्ट, टूवर्ड लेफ्ट किसको बोलते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अपने लेफ्ट से अगर आप मान लीजिए कि यहाँ खड़े हैं, तो ये अगर आप मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप ये देख कर खड़े हैं, यहाँ से आपका राइट क्या होगा, यहाँ से राइट आपका ये वाला होगा, और इधर जो आपका आपका होगा वो आपका लेफ्ट होगा। इधर से जो प्रिसीडेड का मतलब ही होता है टुवर्ड
लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट। अब फॉलोड की बात कर लेते हैं। फॉलोड और सक्सीड में क्या होता है? फॉलोड मीन्स होता है बाद में, ठीक है ना, बाद में। या इसको क्या बोलते हैं, टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट, ठीक है, टुवर्ड राइट। सक्सीडेड में सक्सेसर, बाद वाले उनको हम लोग बोलते हैं सक्सीडेड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक, यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पर आपको मिटाकर आपके साथ एक वर्ड लिखते हैं, और इस वर्ड की मीनिंग को हम लोग दोनों ही जो है वो इस सीरीज से हम लोग देखने समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, ठीक है, 9 लिखा रहे, फिर 3 लिखा रहे, फिर 2 लिखा रहे, फिर 1 लिखा रहे। मान लीजिए ऐसा कोई एक रैंडमली हमने कोई भी अपने रैंडमली हमने एक सीरीज को बनाया। अगर अगर हमें 9 के इस रिस्पेक्ट में अगर बात करनी होगी, तो 9 जो है वो प्रिसीडेड कौन है, 9 के पहले कौन है प्रिसीडेड, तो 9 के पहले है 8। तो 8 इज, अब क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 8 प्रिसीडेड 9, ठीक है। या फिर एक और इसको लिखा जा सकता है, एक और इसमें लिखा जा सकता है कि 9 इज प्रिसीडेड बाई 8, ठीक है। दोनों ही मीनिंग एक ही है, लिखने का बस अपना तरीका है, दोनों की बात एक ही हो रही है कि प्रिसीडेड मतलब 9 से पहले कौन है, 8, ठीक है। तो ये प्रिसीडेड मतलब पहले, टुवर्ड लेफ्ट, अगर आप 9 के इधर जाएंगे तो लेफ्ट है, इधर जाएंगे तो राइट है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ समझिए कि प्रिसीडेड मतलब है कि 9 के पहले 8 है, ठीक है। अब अगर यही बात अगर सक्सीडेड की हो जाती, जैसे 9 के सक्सीडेड में कौन है, तो 9 के सक्सीडेड में, या 9 किसको फॉलो करता है, 9 जो है वो 3 को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 सक्सीडेड 9, सॉरी, 3 सक्सीडेड 9, यस, 3 जो है सक्सीडेड 9, या 3 फॉलोड 9, ठीक है ना, ठीक है, 3 फॉलोड 9 लिखिए यहाँ पर, 3 फॉलोड 9। या ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 9 इज फॉलोड बाई 3, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कंसेप्ट आपको दिमाग में एकदम ये रखना है कि जैसे ही आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि आपको इस चैप्टर में यही दो वर्ड्स जो है, इन्हीं दो वर्ड्स के इर्द गिर्द ये जो है वो पूरा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए ये तो बात हो गई आपकी डिजिट की, मान लीजिए कोई अगर लेटर आप लिखते हैं, मान लीजिए कि जैसे मेरा ही नाम लिखते हैं, GYAN, अगर ज्ञान ही लिखते हैं, तो ए के अगर रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि वाई जो है वो क्या है, वो प्रिसीडेड है, लिखेंगे ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वाई प्रिसीडेड ए, ठीक है, वाई प्रिसीडेड ए, यानी कि ए और प्रिसीडेड बात हो गई, प्री मतलब पहले, ए के पहले कौन है, वाई है। सक्सीडेड या फॉलोड, फॉलोड मतलब होता है बाद में, तो ए के बाद में कौन है, एन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉलोड, ठीक है ना, या सक्सीड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये दोनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। इस वर्ड को एक बार फिर से हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसलिए अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, प्री, आगे क्या लगा है, प्री, प्री मतलब होता है प्रेडिसेसर, या प्री मतलब होता है बोर्ड से जा, बोर्ड से पहले देने वाली परीक्षाएं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड। तो जिस वर्ड में प्री लग जाए मतलब पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब यही बात अगर फॉलोड और सक्सीडेड की बात हो, तो फॉलो मीन्स क्या होता है, बाद में, फॉलो मीन्स बाद में, या सक्सीडेड से याद रखिएगा सक्सेसर, यानी कि बाद में वाली बात होती है। तो इससे आपको, या इससे आपको दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब इन पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और जो ये वर्ड्स हैं आपको इजीली, आप इन क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें, अगला जो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो होता है आपका डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको अब डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। आप प्रिसीडेड सीख गए, आप सक्सीडेड सीख गए, ठीक है, या फॉलोअर्ड सीख गए, अब आपको डायरेक्शन के याद रखना है। डायरेक्शन में आपको 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ना, ये आपको एक सीरीज दी जाती है, मान लीजिए जो ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है, और इस सीरीज के आधार पर आपसे पांच क्वेश्चन का सेट आपको पूछ दिया जाता है। एफओ में अगर मैं बात करूँ,
एफओ में बात करूं तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अदर बैंकिंग के एग्जामिनेशन देंगे, जैसे कि आप आरआरबी देंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि आईबीपीएस क्लर्क देंगे या पीओ देंगे, ठीक है, तो अगर आप इन एग्जामिनेशन को देखेंगे तो इसमें आपको 5 से 5 to 10 क्वेश्चन का सेट आपको इस चैप्टर से देखने को मिलता है। लेकिन एएफओ में आपको 3 से 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर समय देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर भी जो आए थे वो आपको 3 से 5 क्वेश्चन का एक सेट आपको दिया गया था। तो चलिए, बहरहाल वो तो बात हो गई अलग। अब इस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को क्या सीखते हैं, जरा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। तो आपको एक ये सेट दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक सामने एक सीरीज आपको दी गई है। इस सीरीज के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो इसमें डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो बनता है वो कहता है कि विच एलिमेंट इज थॉट टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को समझिए, कौन सा एलिमेंट जो है वो थर्ड लेफ्ट है 10वें एलिमेंट से फ्रॉम द लेफ्ट एंड से। अब आपको एक चीज आपको जान जाइए कि ये जो होता है ना, यहां से अगर आप सीरीज को देते हैं तो ये जो होता है वो आपका लेफ्ट एंड होता है। ठीक है, जब आप अगर आप इन सीरीज को अगर आप अपने आंखों से देख भी रहे होंगे तो ये जो आपका जो इस साइड जो होता है, जिस हाथ से अगर आप लिख रहे होंगे, पता नहीं अब हाल आई थिंक वीडियो में शायद उल्टा चला जाए, कोई बात नहीं, जो सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपका लेफ्ट एंड होता है और सीरीज जहाँ पर जाके खत्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड। ठीक है ना, हमेशा जो होता है वो लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, राइट एंड जो होते हैं, जो आपका जहाँ सीरीज खत्म होता है वहाँ से राइट एंड स्टार्ट होता है और यहाँ से जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वो आपका लेफ्ट एंड वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड जो है वो आपको राइट एंड जो है वो आपको दिमाग में रखना है। अब आपका कह रहा था क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट जो है वो थर्ड लेफ्ट है 10वें एलिमेंट से फ्रॉम द लेफ्ट एंड से। अब लेफ्ट एंड से 10वां एलिमेंट कौन है, जरा इस चीज को आप देखिए, ये आपका 10वां एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो एच है वो आपका, एच जो है वो आपका क्या है, वो 10वां एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट एंड से। अब इसके थर्ड में कौन है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपसे यही है, इसके थर्ड में आपका कौन है। ठीक है, इसके जो थर्ड में, अब मान लीजिए कि ये जो एच है वो आपका तो लेफ्ट हैंड से 10वां नंबर पे है, 10th एलिमेंट है। अब इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, अब बताइए, एच के बाद इधर जो जाइएगा ना, अगर आप P7 इधर जाइएगा तो ये आपका क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, इसके इधर क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में थर्ड कौन सा है, 1 2 3, यानी कि जो आपका डॉलर है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, आपको बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, पहला नहीं आया, आप वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एलिमेंट इज थॉट टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लेफ्ट एंड की। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से 10वां एलिमेंट्स और उसके थर्ड राइट में कौन है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई थी लेफ्ट में, तो अब हमने इधर से देखा, फिर से अगर आप देखिएगा तो ये जो होता है वो आपका लेफ्ट एंड होता है। आपको सभी को पता है कि ये हमारा लेफ्ट एंड होता है, ये हमारा जो होता है वो हमारा राइट एंड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से 10वां एलिमेंट के थर्ड राइट में कौन है, कहने का क्वेश्चन का यही मतलब है। तो आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एच जो है वो हमारा 10वां एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब इसके राइट की बात हो रही है, इधर जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा, थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, यानी कि जो आपका परसेंटेज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर कि क्या सर हम हर क्वेश्चन में इसको गिनते रहेंगे कि लेफ्ट हैंड से इतना फिर उसके इतना। रुको बाबू, अभी आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, आपको अभी एक ऐसा ट्रिक दे देंगे ना कि जो आपको इतना गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार इस चैप्टर को आप बना रहे हैं, तो इस चैप्टर के बेसिक को समझो। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ू ना तो उसके बेसिक्स को जानो कि बेसिक्स कहना क्या चाह रहा है, उस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले ही आप शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, शॉर्टकट के बारे में सोचने लगे कि सर ऐसा कोई बता दीजिए जो एक लाइन में बन जाए, तो वो जो है वो आपका ठीक है, वो जो आपको बता दिया जाएगा वो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आपको बेसिक जानना चाहिए, आपको एक
जो है वो आपका बेस जो है वो आपको मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात हो रही थी पहले क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड से जो 10वां एलिमेंट है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है। ठीक है, दूसरा बात हो रही थी कि 10वां एलिमेंट जो आपका लेफ्ट हैंड से है उसके थर्ड राइट में कौन है। तो हमने दोनों क्वेश्चन को देख लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में जो तीसरा क्वेश्चन आपका जो यही डायरेक्शन से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कि आपको कहता है कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर एंड बदल गया। ठीक है, यहाँ जो बात हो रही थी यहाँ लेफ्ट एंड से बात हो रही थी कि लेफ्ट एंड के 10वें के थर्ड राइट में और थर्ड लेफ्ट में कौन है। यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो आपकी बात हो रही है वो बात हो रही है, सॉरी आ गया, यहाँ जो बात हो रही है वो थर्ड राइट एंड की बात हो रही है। थर्ड, ठीक है ना, राइट एंड के 10वें एलिमेंट, क्वेश्चन को आप समझिएगा, तो राइट एंड के 10वें एलिमेंट के थर्ड राइट में कौन है। समझ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा वाला क्वेश्चन भी कह रहा है कि 10वां एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में कौन है। ठीक है, अब अगर आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के देखिएगा तो यहाँ पर देखिए अब राइट हैंड से बात हो रही है तो आपको सभी को पता है कि ये जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो आपका राइट हैंड होता है ना जी, ना तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आप देखिएगा तो 10वां एलिमेंट राइट हैंड से, अब उधर से नहीं गिनना है, बात हो रही है राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से नहीं जाएंगे, राइट हैंड से आप 10वां एलिमेंट देखेंगे। कि नहीं कि आपने पहला वाला कहा कि सर पिछले वाले में तो 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साथ हो तो इधर भी एच में ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने हो सकता है कि सीरीज जो है वो आपकी सीरीज जो है वो आगे पीछे बराबर ना हो, तो आपको एकदम राइट हैंड से काउंट करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, टी है, फिर आपका एट द रेट है, फिर 8 है, फिर ये सिंबल है 5, कितना हो गया, 2 3 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर से जो 10वां एलिमेंट आया वो आपका पी आया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है ना जी, राइट हैंड से जो 10वां एलिमेंट आया पी आया। अब इसे कह रहा है कि इसके थर्ड राइट में कौन है। ठीक है ना, अब इसके थर्ड राइट में कौन है, तो यहाँ पे जब आ गए तो इधर हमको पता है कि इधर लेफ्ट हो जाता है, यहाँ आने के बाद इधर साइड लेफ्ट है इधर साइड राइट है, तो अब इसके थर्ड राइट में कौन है, तो फर्स्ट राइट में ये बैठा है, सेकंड राइट में ये बैठा है, थर्ड राइट में क्यू बैठा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्यू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड के 10वें एलिमेंट के थर्ड राइट में कौन बैठा है, आपको ये बताना था। तो आपने देखा कि सर राइट एंड से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां है, 10वां जो एलिमेंट है राइट एंड से वो पी है, और इसके थर्ड राइट में बात हो रही है, तो सर इधर वाला तो लेफ्ट एंड होता है, इधर वाला तो राइट एंड होता है, थर्ड राइट की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो आपका क्यू जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आप चौथे क्वेश्चन को देखिएगा तो बात हो रही है कि 10वां एलिमेंट जो राइट एंड से उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो आपने तो थर्ड राइट देख लिया, अब थर्ड लेफ्ट में लेफ्ट में देखना होगा, तो सर इधर तो राइट है, सर इधर ना जाएंगे, बिल्कुल बाबू जाएंगे, तो ये आपका एच होगा, स्टार होगा, इधर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चारों क्वेश्चन जो आपके डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि जब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो उसमें जो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली आप उस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो राइट एंड से 10वां एलिमेंट के थर्ड राइट में कौन है। फिर क्वेश्चन था कि 10वां एलिमेंट जो कि राइट एंड से थर्ड लेफ्ट में कौन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने पहले दूसरे में किया कि लेफ्ट एंड से 10वां एलिमेंट के थर्ड राइट में कौन है, फिर 10वां एलिमेंट लेफ्ट हैंड से थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो इस तरीके से हमें चार जो पॉसिबिलिटी जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे, जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब तो ये तो बात हो गई बेसिक्स की, अब आपको एक यहाँ पर ये ट्रिक दिया गया है। बोला था ना मैंने कि आपको सब कुछ बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। अब देखिए जो ट्रिक में क्या है ना, पहला जो है ना वो जो है, आप पहले वाले को अगर आप देखिएगा तो पहले वाले ट्रिक को आप कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वाला देख लेते हैं, पहला वाला कहाँ गया, पहला वाला ये देख लेते हैं कि यहाँ पर भी लेफ्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी
लेफ्ट दिख रहा है। तो आप पहले क्या करिए ना, आपको क्या करना है, अगर आपको बनाना है तो आपको कैसे बनाना है। देखिए वैसे तो आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि लेफ्ट एंड से, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है लेफ्ट एंड से। तो पहला क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिख आप आ जाइए, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर लिखिए पहले लेफ्ट, और यहाँ लिखिए थर्ड, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टू, ठीक है। नीचे फिर आगे क्या बात हो रही है कि 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, फिर लेफ्ट की बात हो रही है ना, ये लेफ्ट लिखिए, यहाँ लिखिए 10 और यहाँ लिखिए फ्रॉम, ठीक है। अब इस लेफ्ट को, इस लेफ्ट से क्या होता है कि आपको मैंने बताया ना कि दो लेफ्ट अगर होंगे तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट आएगा और ये दो आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस 10 कहिएगा तो सर माइनस 7 आ जाएगा, भूल जाइए वो सर, माइनस माइनस भूल जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करिए, बार लगा लीजिए। यहाँ पर क्या होता है आप समझे ना, ये सॉरी, ये जो आपको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड लग जाता है, ठीक है ना। मॉड से कुछ भी जो बाहर आता है वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि 10 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो और यहाँ पर फ्रॉम लिख लीजिए। अब जो ये बन के आया ना, इसमें देखिए कि लेफ्ट हैंड से जो सातवां होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखिए गिनिए लेफ्ट हैंड से सातवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, यही स्टार है ना जी, आपका आंसर भी तो यही आया था ना बेसिक से। तो ये होता है, यानी कि अगर कभी भी लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड की बात हो तो दोनों एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए और लेफ्ट से गिन दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही राइट में भी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए, दो राइट की यहाँ बात हुई है ना, एक बात हो रहा है कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए राइट, क्या करना है, यहाँ लिखना है राइट, यहाँ लिखना है थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है टू, थर्ड टू है ना, यहाँ पर टू लिख लिया, डायरेक्शन को लिख लिया यहाँ पर टू, ठीक है। फिर लिखिए नीचे आगे राइट की बात हो रही है, राइट, फिर लिखा है 10th, फिर लिखा है फ्रॉम, ठीक है। राइट का राइट आएगा और आपको पता है कि राइट राइट जो होता है वो माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। और ये जो बात हो रही है राइट एंड से, जो इसका जो पहले वाले क्वेश्चन का होगा, राइट एंड से 7 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्यू आएगा, यानी कि हमारा जो बेसिक से भी क्वेश्चन सही था और हमने जो ये ट्रिक मेथड से लगाया, इस ट्रिक मेथड से भी हमने, हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये तो बात हो गई कि लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट की। अब अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट का बात हो या राइट लेफ्ट का बात हो तो कैसे बात करें, जैसे यही क्वेश्चन आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसी में हम लोग देख रहे थे, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो राइट एंड के 10वें एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में कौन सा है, क्वेश्चन यही कह रहा था। तो आपको क्या करना था कि यहाँ पर आप लिखते हैं लेफ्ट, पहली बात हो रही है लेफ्ट की ना, तो लेफ्ट लिखिए, यहाँ लिखिए थर्ड और यहाँ लिखिए टू, ठीक है। फिर नीचे बात हो रही है राइट की, ठीक है, राइट के 10th, यानी कि 10th की बात हो रही है, और यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फ्रॉम की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट आपस में तो ऐड हो जाएंगे। आप कहिएगा सर कि यहाँ पर तो क्वेश्चन में राइट होता था, नीचे राइट होता था, तो आप राइट लिख देते थे। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है बाबू कि इसमें जो लेफ्ट है राइट है, जो नीचे वाला है ना, जो सबसे नज़दीक में उसी का लिख लीजिए राइट, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, इनका आपस में जोड़िएगा तो 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और नीचे लिखिए फ्रॉम। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि राइट एंड से 13वां, और राइट एंड से 13वां कौन है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जो 13वां एलिमेंट है वो 6 है, यानी कि जो हमारा बेसिक से जो आंसर आया था वो आंसर 6 आया था, और हमने जो ट्रिक मेथड लगाया उससे भी हमारा आंसर आया वो थर्ड आया। तो ये तो बात हो गई आपकी लेफ्ट राइट की। राइट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल, अब ये वाला जो क्वेश्चन भी तो हमारा इसी ऐसा ही था। तो इसमें इसमें था कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ पर बात हो रही है थर्ड थर्ड टू द राइट। यहाँ पर लिखिए आप पहले जो क्या आया है, राइट आया है सर, राइट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो आया है वो आपका टू आया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है लेफ्ट की, बाद वाली वे लेफ्ट, ये है आपका 10th और ये है आपका फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने बोला ना कि राइट और लेफ्ट के बीच, लेफ्ट के जो सबसे नियरेस्ट कौन सा है वो आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट लिखिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा 10 प्लस 3 13, और नीचे लिख लीजिएगा फ्रॉम, ठीक है। तो लेफ्ट से 13वां, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लेफ्ट से 13वां होना चाहिए। तो देखिए ना, दो 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 एक दो दो चार
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13% जो है वो हमारा 13 था, और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो हमारा परसेंटेज ही है। यानी कि जो क्या है, तो जो हमने बेसिक से बनाया, जो हमने ट्रिक से बनाया, वो क्वेश्चन आपको हमारा जो है वो ट्रिक जो है वो आपको आपको जो है वो सही आंसर दे रहा है। तो कंक्लूड क्या किया हमने, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड हमने क्या किया कि जहां जहां हमें लेफ्ट और लेफ्ट दिखेगा तो इनको आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। जहां पर राइट राइट दिखेगा उनको आपस में माइनस करके जो आएगा उसको राइट हैंड से में गिन लेना है। जहां पर लेफ्ट और राइट आएगा उसको ऐड कर लेना है। जहां पर राइट और लेफ्ट होगा उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव रहे तो उनको माइनस कर देना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहे तो उनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो आपका अट्रैक्ट करते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपका अट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट को ऐड कर देंगे, और जो आपके जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपके रिपल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, वैसे ही आपका आपका जो है वो लेफ्ट लेफ्ट जो है रिपल करेगा। रिपल मतलब होता है आप माइनस कर ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपका अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर का जो पूरा बेसिक्स जो है, जिनमें हमने बात की आपकी, जिनमें हमने पहले बात की कि दो वर्ड्स जो आपके प्रिसीडेड और फॉलोड की बात हमने कर ली, उनको देख लिया, उनके सारे एग्जाम्पल्स को हमने देख लिया कि उनके एग्जाम्पल्स को कैसे उनका यूज करेंगे, तथा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अल्फ़ाबेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, नंबर सबसे ज़्यादा होता है, सिम्बल्स सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा अप्रोच जो होगा वो हमारा ये होगा कि अगर हमारे क्वेश्चन में सिम्बल्स की अगर कोई जिक्र हो रही हो तो पहले हमें सिम्बल्स को पकड़ लेंगे, तो उस क्वेश्चन में हमारा जो है वो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड जो है वो कम लगेगा, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद हमने जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखा, जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हमने जो डायरेक्शन बेस्ड जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हमने डील किया कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर लेफ्ट हैंड से 10वां एलिमेंट है तो उसके थर्ड लेफ्ट की अगर बात हो रही हो तो कैसे निकालेंगे, थर्ड राइट की बात हो रही हो तो कैसे निकालेंगे। तो इन जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चन थे वो हमने सारे बना लिए। फिर हमने अपना कंक्लूजन और ट्रिक्स भी देख लिया। अब हम लोग बात चलते हैं इस क्वेश्चन के टाइप वाइज क्वेश्चंस पर, जो कि आपका है वो टाइप 1 क्वेश्चन है। पहला जो टाइप इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर से जो बनता है वो आपका बनता है वो आपका अल्फाबेट से बनता है। यानी कि पहला वाला जो सीरीज, पहला वाला टाइप कौन सा था, हमने देखा था ना, पहला वाला जो था वो हमारा लेटर सीरीज था, ठीक है। तो पहला टाइप जो हमारा हम लोग अब पढ़ेंगे वो है आपका लेटर सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेटर सीरीज में आपको ये जो है वो आपको सीरीज दिया है, और इसके आधार पर आपके 5 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन द गिवेन सीरीज आर इमिडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाई वोवेल, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि वोवेल, आप जानते हैं ना वोवेल क्या होता है, वोवेल कौन कौन से होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, ठीक है। वोवेल जो होते हैं वो आपके 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन द गिवेन सीरीज आर इमिडिएट, अब ये प्रिसीडेड है, देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया ना प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मीन्स क्या होता है, पहले, ठीक है। प्रिसीडेड, फॉलोड, फॉलोड मीन्स क्या होता है, बाद में, ठीक है। देखिए आपने पहला ही क्वेश्चन जो है अब आपका प्रिसीडेड और फॉलोड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि इन द गिवन सीरीज में जो कि प्रिसीडेड और फॉलोड हैं वोवेल से, यानी कि वोवेल जो है वो आपका कॉन्सोनेंट अगर मान लीजिए पहले है तो इससे प्रिसीडेड भी वोवेल है और इसके बाद वाला भी वोवेल है। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिन जो कि आगे पीछे जिनके हैं वो वोवेल से, कहने का मतलब यही। तो अगर आपका अप्रोच क्या होगा, अब हम लोग अप्रोच की बात कर लेते हैं कि हमारा हाउ टू अप्रोच, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने रहेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो अप्रोच हमारा जो होना चाहिए, आपको सभी को पता है कि वोवेल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको आपको पता है ना कि वोवेल जो होते हैं वो आपके टोटल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो आपके 21 होते हैं। तो ये बताइए कि 5 को अगर पूरे पूरे ग्रुप्स में 5 को छाटना आसान है या 21 को छाटना आसान है,
पांच को छांटना आसान है। तो पहले जो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम पहले वॉयल्स को ढूंढेंगे, ठीक है। आपका आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? वॉयल्स को ढूंढने पर होना चाहिए कि वॉयल्स जो है कौन कौन से हैं। चलिए वॉयल्स को देखते हैं। आपका ई वॉयल है, फिर आपका एच वॉयल नहीं, ए आपका वॉयल है, ठीक है। ए आई ओ यू वो दिमाग में लेकर चलना है, ए वॉयल है। फिर आपका ई वॉयल है, ठीक है। फिर आपका ए वॉयल है, फिर आपका ओ वॉयल है, ठीक है। आई वॉयल है, फिर आपका ए वॉयल है, फिर आपका यहाँ आई वॉयल लिखा हुआ है, ए वॉयल है, ठीक है। और कोई वॉयल है क्या? ए वॉयल है, आई वॉयल है, ओ वॉयल है, और फिर आपका आई वॉयल है। और कुछ तो नहीं छूट गया है ना? कोई देख लीजिए एक बार फिर से मैच कर लीजिए। यहाँ हमने मैच किया, ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, फिर आई हो गया, फिर ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ए हो गया, फिर आपका ए हो गया, ए आई हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में हमारा कि जो है वो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि दो वॉवेल्स के बीच में है, ठीक है। तो क्या ये, सॉरी यहाँ पर पेन चेंज करना होगा क्योंकि ये दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो फिर चलिए, ठीक है। तो देखिए क्या ई और ए के बीच में एक कॉन्सोनेंट है? नहीं, दो कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। ए और ए डबल ए के बीच में दो है तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। ए और ई के बीच में आर ई है, दो है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दो वॉयल्स के बीच में एक डब्लू है तो ये हमारा पहला सेट हो गया। आई थिंक काफी रेड रेड हो जाएगा, एक आपको चलिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पहला सेट आपको यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो ए और ऊ के बीच में भी एक सेट यहाँ एक और बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ई डब्ल्यू ए है तो ई और ए आपका क्या है? भवेल है, डब्ल्यू हो गया। ए और ए भवेल है, एल आपका कॉन्सोनेंट है, दो हो गए हम अभी तक हमारे पास। तीसरा हमारा यहाँ भी हो जाएगा एक सेट, ठीक है। तीसरा एक सेट यहाँ हो गया, चौथा सेट ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हमने, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा ये हो गया, यानी कि टोटल जो है वो सात ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। सात ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि उनके आगे पीछे वॉवेल्स है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सेवन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको क्या ढूंढना था पहले वाले क्वेश्चन में? कि वैसे कॉन्सोनेंट्स को बताइए जिनके कि आगे, यानी कि प्रिसीडेड की बात हुई तो प्रिसीडेड और फॉलोड यानी कि बाद में क्या है? वॉवेल्स है। तो हमने सात ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो हैं इस पूरे सीरीज में, वैसे जो आपका जो सीरीज था उसका नाम था मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन जो था वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये वर्ड आप दिमाग में रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती में सात ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके कि आगे पीछे क्या है? वो आपका भोयल है। देखिए सीरीज कुछ भी हो सकती है, समझे, सीरीज कुछ भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपने इजीली टैकल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट विल बी सिक्स्थ सिक्स टू द। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? डायरेक्शन कॉन्सेप्ट का है, जो हमने डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने जो यहाँ पढ़ा था, जो हमने यहाँ पढ़ा था वो आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट्स विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ द 17th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो राइट की बात हो रही है, दो राइट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हमें माइनस करना है, ठीक है। लेकिन आपको पहले एक बार बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले जो बेसिक्स मेथड आपको क्या कैसे बनाते, बेसिक्स में तो आप गिनते, ठीक है। बेसिक्स में तो आप इधर से फिर 17th एलिमेंट को जाते, जैसे कि आप कैसे करते, तो जो आपका पहला जो कौन सा है, पहला जो है वो आपका आई है, बात हो रही है किसकी? 17th की, 17वां। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17वां आपका क्या है? आई, ठीक है। अब इसके आप सिक्स राइट में कौन सा है? तो एक,
दो तीन चार पाँच छः, यानी कि एच जो है वो आपका जो है वो आपका आंसर है, ठीक है ना? ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट्स विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 17th कॉन्सोनेंट, ओके, फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव सीरीज, ठीक है? तो आपका जो आंसर होता वो आपका क्या होता है, एच होता, ठीक है? लेकिन जरा आप इसको देखते हैं, 17th माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, 11th, 11th राइट एंड से क्या है, क्या देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो आपका एच है वो आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक और चीज आपको दी गई थी, अगर आपको ये सिंपली क्वेश्चन होता तो आप ऐसे बनाते, लेकिन 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 इस क्वेश्चन में एक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें हमें वॉवेल्स को छोड़ देना है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये कॉन्सोनेंट नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट्स नहीं होता, तो ये जो क्वेश्चन होता आपका 11 में आपका क्या होता है, एच आपका सही हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सोनेंट्स दे दिया, यानी कि आपको वॉवेल्स को ऐड ही नहीं करना है, ठीक है? चलिए, इसमें क्या करना है, आपको वॉवेल्स को आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो वॉवेल्स को हम लोग ऐड गिनेंगे ही नहीं, ठीक है? तो टी हो गया, एच हो गया, एच हो गया, एन हो गया, आर हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ठीक है, 17। अब इसके सिक्स राइट में जो कॉन्सोनेंट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो एन होगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में जो है हमने पहले वाले में कॉन्सोनेंट नहीं देखा था, लेकिन कॉन्सोनेंट्स या अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया रहा है, अगर कॉन्सोनेंट नहीं दिया रहा है तो वो जो आपका आंसर है वो एच सही है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स की सिर्फ बात हो रही हो, सिर्फ अगर कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही हो, तो इसमें वॉवेल को हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी बेसिक्स है। अगर आपको फिर वर्ड्स उस डायरेक्शन से बनाना होता तो कैसे बनाना होता, अगर उस डायरेक्शन से बनाना होता तो आप बनाते कैसे, लिखते हैं यहाँ पर सिक्स टू द राइट, यानी कि राइट की बात हो रही है तो राइट लिखते, सिक्स लिखते, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते टू, फिर आप लिखते राइट लिखते, ठीक है, फिर 17th लिखते और फिर लिखते फ्रॉम, ठीक है? राइट राइट में जो सबसे राइट राइट मतलब कि नीचे जो भी आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, और 17 माइनस सिक्स क्या होता है, 11th होता है, ठीक है? तो राइट एंड से 11th, तो आप जोड़िए, इसमें याद रखिए कॉन्सोनेंट्स को नहीं लिखना है, कॉन्सोनेंट्स को सॉरी कॉन्सोनेंट वॉवेल को ऐड नहीं करना है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जो है आपका एन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है? तो आपको दोनों इस क्वेश्चन में देखने को मिल गया। देखिए कितने आसानी से आपको, बारीकी से आपको पकड़ना, बारीकी से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि सिर्फ अगर कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है तो कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं हो रही है तो हमारा जो है वो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट आपको लग जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमिडिएटली प्रिसीडेड बाई वॉवेल एंड सक्सीडेड बाई कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ पर फिर बात आ गई, कौन सी प्रिसीडेड, प्रिसीडेड आया ना आपके सिस्टम में, प्रिसीडेड मीन्स क्या होता है, प्रिसीडेड मीन्स होता है पहले, ठीक है? सक्सीडेड, सक्सीडेड या फॉलोड मीन्स क्या होता है, बाद में। तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है, आप कैसे क्या लिखिएगा, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि प्रिसीडेड हैं वॉवेल से और सक्सीडेड है यानी कि बाद में है कॉन्सोनेंट से, ठीक है? तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अब आपको मैंने बताया था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में वॉवेल जो होता है वो 5 होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है वो आपका कितना होता है, 21 होता है। तो वॉवेल्स को भीड़ में पहचानना आसान है, फिर वॉवेल्स को हम लोग पहचानते हैं कौन कौन सा है, ई है, ठीक है, ए है, ठीक है, फिर आपका ए है, फिर आपका ई है, फिर आपका ए है, वो छूट तो नहीं रहा है ना, देखते रहिएगा,
ए है वो है बड़ा आसानी से और ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। आई ए आई ए फिर आपका यहाँ से ए है, फिर आई है, फिर आपका ओ है, फिर आपका आई है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कितने ऐसे भोवेल हैं जिनके जिनके की बाद में दो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये वाला एक आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका एक काउंट हो गया एक, ये भी आपको देखने को मिल रहा है दो, ये भी आपको देखने को मिल रहा है तीन, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है चार, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है आपका पाँच, और हो सकता है क्या, ये हो सकता है आपका छः। अब तो नहीं हो सकता है, टोटल छः हैं, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपका छः। मेहनत करने वाले हार में छः ऐसे वोवेल्स हैं जिनके की बाद में दो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के इस सेट के चौथे नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन द गिवन सीरीज विच इज इमिडिएटली प्रिसीडेड एंड। अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ओके तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, ठीक ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। इस क्वेश्चन का हमने पहले वाले में आंसर हमने आपको दिखा दिया है बना के, जो कि आपका क्या है सेवन है, ठीक है ना। आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन का आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन इस सेट का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इफ ऑल द वोवेल्स विच कम्स इन द फर्स्ट हाफ हाफ द अल्फाबेटिकल सीरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द एबव सीरीज देन विच एलिमेंट कम्स एट द 11 पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो आपका पूरा सीरीज है ना, जो आपका ये जो मेहनत करने वालों की हार, जो आपको ये जो सीरीज दिया गया है, इसके फर्स्ट हाफ से अगर वोवेल्स को हम लोग रिमूव कर दें, वोवेल्स को अगर हम रिमूव कर दें, तो कौन सा एलिमेंट जो होगा वो 11th पोजीशन पे होगा हमारे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को, अगर आप आपका जो अप्रोच होना चाहिए, अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, थोड़ी सी आपको बुद्धि यहाँ पर अपनी लगानी है, ठीक है। पहले तो आप क्या करें कि इसको टोटल करिएगा तो 34 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें 34 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 17 कहाँ आएगा, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो बारह, दो चौदह, देखिए एक सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 11th पोजीशन पे कौन आएगा लेफ्ट हैंड से, क्या करना है ना, भूल जाइए कि कुछ इसमें आपका आधा माइंड आधा करना है, नहीं करना, हम गिनेंगे ही नहीं, हम लेफ्ट हैंड से जो भी वोवेल्स होंगे हम उनको गिनेंगे ही नहीं। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो यानी कि जो आपका के जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बेवकूफों जैसा मत करिएगा कि क्या करिएगा कि टोटल 34 लिखा, 17 में डाला, 17 के बाद वाले को हमने हटाया और फिर हम उसको लिख गिन फिर उसको लिख के फिर उससे गिन रहे, छोड़ दीजिए, इतना भी नहीं करना होता, टोटल भी नहीं करना होता और आपको कुछ भी नहीं करना होता। आप सीधे क्या करते कि स्टार्टिंग से जो भी है ना, जो भी आपका वॉयस है उनको उनको आप गिनते ही नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट को गिन जाते और जो 11वां पे आता वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ये भी करते कि या फिर आपको ये भी अप्रोच करना होता कि आपको इनको टोटल करना होता 34, फर्स्ट हाफ आपको देखना होता के, और इधर वाले के वॉयस को नहीं गिनना होता और के बाद वाले वॉयस को तो गिनना है ना, तो 17 वाले यानी कि के बाद वाले वॉयस को आप गिनते, वॉयस और कॉन्सोनेंट सबको गिनते, लेकिन के पहले वाले वॉयस को आपको गिनना नहीं है। तो ये जो है वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका के। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो पहला टाइप है उसके पाँच क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपको पहला लेक्चर जो है, जिसमें कि हमने आपके सारे बेसिक्स को कवर करा,
बेसिक्स को हमने कवर करा, साथ ही साथ हमने अप्रोच को देखा कि क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि डायरेक्शन बेस्ड अगर क्वेश्चंस अगर हमारे पास रहे तो उन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ठीक है। चौथा हमने अगर देखा कि टाइप, पहला क्वेश्चंस आज हमने इस चैप्टर का टाइप वन का जो क्वेश्चन है, जो कि आपका अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, अल्फा अल्फ़ाबेट या लेटर बोल सकते हैं, लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो हमने आपके सामने बनाया, इस क्वेश्चन को देखा जिसका कि हमने एक सेट आपको बनना है। कल के लेक्चर में भी हम लोग एक टाइप वन का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप टू बनाएंगे, फिर आगे करके जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को हम लोग अंत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर्स में, और देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तब तक आप अपने घर में अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। चलिए।